हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए हम एक वीडियो कर रहे हैं जो कि अनबीटेबल पे है। तो पहले तो आप थोड़ा सा क्वालिटी को जज कर लीजिए कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो रही है आप लोगों के लिए। और इसमें 3 रील, 6 रील, 12 रील आपको सब अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप फिनिशिंग पार्ट देख सकते हैं और धागा ये 1-2-3 से मजबूत है ताकि आप प्लास्टिक या जो भी आपके पांडा वांडा है उनके अगेंस्ट इसको आराम से लड़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वालिटी, ये टील ग्रे कलर है और कुछ लोग इसे ड्राई सीमेंट कलर भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी 12 रील पर है। और इसके बाद मैं आपको कलर दिखाना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन कलर इसमें लगे हुए हैं। आप ये देखिए, आपको क्वालिटी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन ये रिज़ल्ट देगी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अभी हमने इसे लाइटिंग जो है वो कम है, तो आपका जो शाइनिंग पार्ट है वो नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल यू विल गेट द बेस्ट परफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द थ्रेड विच इज़ टोटली 100% कॉटन। सो दोस्तों, आपको ये डोर जो है एकदम अनबीटेबल रिजल्ट देती है। और जैसा कि हम कहते हैं कि जो डोर लड़ाने वाला होता है वो डोर देख के पहचान जाता है कि इसमें कितना बेहतरीन काम किया गया। थोड़ा सा क्लोज लुक में दिखा देता हूँ। और जो इवन इस पे जो कोटिंग होती है उसका भी आप टेक्सचर इस पे लेवल पे देख सकते हैं। पूरा परफेक्ट काम हो रखा है इस पे। और आप ये देखिए कितना बेहतर काम है, बेहतरीन काम। और इसमें आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़े से मैं कलर दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कलर चूज करने में। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, एकदम चमकता हुआ ग्रीन कलर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा इस पे कांच लगा हुआ हो, पर ऐसा है नहीं क्योंकि ये लाइट के कारण थोड़ा शाइन कर रहा होगा। तो दोस्तों, आपको अनबीटेबल 12 रील में आपको जो भी कलर्स चाहिए आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखते जाइए, हम आपको बहुत सारे कलर्स दिखा रहे हैं ताकि आपको वेरिएशन मिलता रहे। इसको हम लोग पिंकिश ब्राउन भी कह सकते हैं या प्याजी कलर भी कह सकते हैं, आप पर्पल शेड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा बारिशों में या बारिशों के बाद ना मिल पाए। तो एक बार आप इसमें लुक देख लीजिए कितना बेहतरीन इसका लुक है। और क्वालिटी आप लोग सब समझते ही हैं। हमारा भी आपसे एक ही कमिटमेंट रहता है कि इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में आपको जो है वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए। और ये देखिए, एक पहले जो था वो ग्रे लाइट था और एक ये थोड़ा सा डार्क ग्रे है। और इसमें भी आप फिनिशिंग पार्ट देखिए कितना बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन है। इस डोर से आप दोस्तों मंजोली से लेकर ताबा तक उड़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोर मजबूत होने के साथ साथ बारीक भी है जो एकदम क्विक रिजल्ट देती है। तो अभी आपको जैसे कलर्स का हमने बताया कि बहुत अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप कलर्स को अभी देख के ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लोज लुक हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कलर की पहचान हो सके और क्वालिटी की पहचान हो सके। अब आपको एक ऐसा कलर दिखाता हूँ जो कलर बहुत ही मुश्किल से मिलता है या बनता ही मुश्किल से है। ये देखिए दोस्तों, डार्क मस्टर्ड कलर आप मान लीजिए इसे, और थोड़ा सा गोल्डन टच भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वालिटी है 1x1 बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए हमने बनवाई है। और जो रिज़ल्ट है वो बहुत प्रीमियम लेवल पे आ रहे हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम हो रखा है। और मैं रोटेट भी कर रहा हूँ तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कोटिंग है, प्रीमियम कोटिंग जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और रिज़ल्ट आप समझ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग आपको थोड़ा सा ये खोल के अभी दिखा पा रहे हैं, बाद में केवल कट से ही दिखाएंगे कि क्या क्या कलर आए हैं। ये इसलिए कि आपको पता लगे कि अभी कौन से कलर इसके अंदर कट से दिख रहे हैं और कौन से इसको पूरा खोलने पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें आपको और बेहतरीन कलर चाहिए तो इसमें पिंक कलर भी दिखा देंगे। एक बार वो मैं अनपैकिंग कर लेता हूँ उसकी। एक पैरेट ग्रीन कलर भी है, वो भी दिखा सकते हैं। तो ये दोस्तों, आपके लिए पिंक कलर की पेशकश। थोड़े से चरखे भारी हो जाते हैं क्योंकि 12 रील का वजन ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन है और मज़ा आ जाएगा आपको ये चीज़ यूज़ करने में। जिन लोगों को फेस्टिवल पे डार्क कलर नहीं चाहिए होते, लाइट कलर चाहिए होते हैं, वो इस टाइप का पिंक कलर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन है। और फिर भी मैं एक बार इन कलर्स का थंबनेल भी बना दूंगा, तो जिन भाइयों को लगे कि कोई कलर इन्हें समझ नहीं आया तो थंबनेल से वो जज कर सकते हैं। ये देखिए अनबीटेबल में प्रॉपर ग्रीन कलर,
और फिनिशिंग पार्ट से आप समझ जाइए कि आपको जो रिज़ल्ट है वो भी एक अनबीटेबल डोर का अनबीटेबल रिज़ल्ट मिलने वाला है। और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो ये डोर यूज़ करें तो उसका जो फीडबैक है आप वो बताएं, मंजोली से कैसा रहा, अद्दी से कैसा रहा, पोनी तावा से कैसा रहा, कम हवा में कैसा रहा, तेज़ हवा में कैसा रहा, डिस्टेंस पे, शॉर्ट पे, आप लोग हमें पॉजिटिवली फीडबैक दें ताकि अगर कभी ऐसा लगता है कि अच्छा कम हवा में ऐसा है तो तेज़ हवा में ऐसा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। क्योंकि अगर चेंजेस या इम्प्रूवमेंट ना हो और हम अपने ही काम पे एक जैसा काम आपको देते रहेंगे तो आप लोग भी इसमें बोर हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जो आप फीडबैक दें वो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, और ये आपके स्क्रीन पे अगर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 12 रील हमने एक वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कलर भी दिखा दिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि अभी इतना जो टाइम है कि हम 2 से 3 दिन में आपको सर्व कर देंगे, पर जैसे जैसे बारिशें चलती रहेंगी फिर थोड़ा सा आगे फेस्टिवल टाइम आएगा, तो उसी दिन आप ऑर्डर कीजिए जिस दिन आपको वीडियो देख मतलब वीडियो का लॉन्चिंग डेट या अपडेट डेट लिस्टेड डेट जो है। तो क्या होता है, वीडियो तो हम अपलोड करते रहते हैं पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलने पाने के कारण हम देख नहीं पाते हैं कि आपने व्हाट्सएप पे क्या ऑर्डर करा या क्या नहीं करा। तो आप हमें कॉल भी करके अपडेट ले सकते हैं कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ पे है। बस ये है कि जब हम आपको बोलें कि इवन पैकिंग होने के बाद नाइट तक आपको दे दी जाएगी या कल मॉर्निंग आपको बता दी जाएगा, तो बस उसके लिए आप इंतज़ार कर लें। ऑर्डर करने के लिए आप डिले ना करें, बस हमारी तरफ से ये है कि हम लोग भेजने में डिले नहीं करेंगे, तो आप लोग ऑर्डर करने में ना करें, क्योंकि जो कलर्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या जो डिमांड है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ये सब जो चरखे हैं सब सिंगल सिंगल पीस हैं, कोई भी डबल पीस नहीं बना है, तो डिमांड पे बने थे कलर्स, तो इनका अब कोई दो जने एक जैसा कलर मांगते तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाती। तो जब भी आपका फ़ोन आए आप कोशिश करें विद इन 30 मिनट्स आप उस डील को क्लोज़ कर दें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे आपने कोई कलर मांगा आज और वो आपने पेमेंट करा कल, बात हो रही है आज और पेमेंट हो गया आपका कल, तो वो हमें थोड़ा सा रिफ़ंड करने पर ऐसा लगता है कि आपकी डिमांड हम फुलफ़िल नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ एक लुद्दी का पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो कभी कभी जैसा होता है ना कि सांठ आ जाती है धागे में, तो ऐसी लुद्दी दिखाई देती है, और कई कई बार जो लास्ट में हम 1-2 मीटर जो लपेटा जाता है उसमें आपका वो ज़मीन पर गिर के भी थोड़ा सा आपको दाना दिखाई देता है। जैसे इसमें एक बारीक सा दाना बीच में दिख रहा होगा आपको, तो ये पूरी चरखी में हो तो समझ में आता है कि भाई कांटेदार डोर होगी और आपको केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन काम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसका एक थंबनेल बना देता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो भी आपको दे देता हूँ ताकि आप कलर्स को देख सकें, और जो भी आपको कलर चाहिए, ये एग्जैक्ट मस्टर्ड कलर लग रहा है, कईयों को डार्क येलो भी लग रहा होगा। वीडियो में जो कलर होते हैं वो हल्के से वेरिएशंस पे भी आते हैं, तो आपको हम यही कहेंगे कि आपको 2-3 एंगल से जो आप देखें अच्छी तरीके से देख के समझे परखें फिर हमें ऑर्डर करें। वैसे हमें कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है, फिर भी जो हमें लगता है वीडियो बनाते समय हम आपको एग्जैक्ट वही चीज़ गाइड कर देते हैं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। एक रिक्वेस्ट है कि अब जो सीजन्स आ रहे हैं वहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा उड़ते हैं, तो उसे थोड़ा सा रोक लगाइए दोस्तों। आप इससे किसी को नहीं काट पा रहे हो, किसी डोर को नहीं काट पा रहे हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को कि ये बताएं कि यहाँ से एक अच्छी चीज़ मिल सकती है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन के चक्कर में बंदा अपने पड़ोस में भी नहीं बताता कि हमने ये मांजा कहाँ से मंगाया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर उसे अच्छा मांजा नहीं मिलेगा तो प्लास्टिक भी ख़रीद सकता है, तो प्लास्टिक के आगे फिर आपको पता है कि फिर कोई लोहे का तार खरीदेगा, तो ऐसे करके ये जो काइट फ्लाइंग का ट्रेडिशन है वो क्लोज हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से प्यार और व्यवहार बना रहे। धन्यवाद।